नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम 2020 में पूछे गए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एनुअल एग्जाम का मैट्रिक की परीक्षा का मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन सीखने जा रहे हैं। ये पेपर प्रथम पाली में पूछी गई थी 2020 में। इसके उत्तर देने के निर्देश इस प्रकार हैं। परीक्षार्थी था संभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। जो दाहिनी ओर अंक दिया है वही अंक उसके मान्य हैं। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न तो दो खंडों में है, खंड ओ और खंड बो। खंड ओ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, MCQ है। इसमें इस सत्र में 60 प्रश्न पूछे गए थे। से पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? साथियों 23 एक अभाज्य संख्या है। नंबर दो है 1 + tan θ प्लस sec थीटा प्लस 1 + cot θ cosec थीटा। इसका मान बताना है कि क्या होगा। साथियों इसे हम हल करके बना सकते हैं 1 + sin θ / cos θ। sec के लिए 1 / cos θ लिखेंगे इंटू 1 + cos θ / sin θ -1 / sin θ। साथियों जब LCM ले लेंगे ये हो जाएगा cos θ + sin θ, और ये LCM लेंगे तो हो जाएगा sin θ + cos θ -1। अगर इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो A + B A - B बराबर होता है A² - B² यानी cos θ + sin θ का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे में हो गया cos θ × sin θ। अब इसका स्क्वायर करेंगे cos²θ + sin²θ + 2sin θ × cos θ - 1 / cos θ × sin θ हो गया। साथियों इतना बराबर 1 होता है, 1 + 2sin θ × cos θ - 1 / cos θ × sin θ। ये एक एक कैंसिल हो गया, तो 2sin θ × cos θ / cos θ × sin θ कट जाएगा, यानी 2 आ गया। इसका उत्तर 2 हो गया। साथियों साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो गई, यानी परिधि दुगनी हो गई। परिधि दुगनी का मतलब है त्रिज्या दुगनी हो गई, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। साथियों 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है, उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x = -5 का आलेख कैसे सरलरेखा होगी, यानी x बराबर एक संख्यात्मक मान रहे तो y अक्ष के समानांतर होगा। अगर y अक्ष का संख्यात्मक मान रहे तो x अक्ष के समानांतर होगा। x = 0 रहे तो y अक्ष हो जाएगा, और y = 0 रहे तो x अक्ष हो जाएगा। 64π² क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी यह क्षेत्रफल दिया हुआ है 64π² अब इसका व्यास बताना है, तो क्षेत्रफल होता है π r² = 64π। पाई कैंसिल हो गया, r² = 8 का स्क्वायर, यानी r का मान 8 हो गया, तो व्यास त्रिज्या के दुगुनी होती है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज DEF और PQR में दिया हुआ है ये बराबर ये और ये, निम्नलिखित में कौन सही होगा, कौन F बराबर कौन P होगा यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण युग में दिया हुआ है कि कौन सा सही होगा। a1/a2 देखिए 2/4 है, b1/b2 3/6 है, ये कट के हो गया 1/2, ये भी कट के हो गया 1/2। c1 c2 निकालेंगे तो 5/15 हो जाएगा, यानी 1/3। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मीन्स हो गया a1/a2 = b1/b2
बराबर नहीं C1/C2, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। 65 और 117 का मोसो इतना है तो m का मान क्या होगा? साथियों 65 और 117 का मोसो 13 होता है, 13 × 5 = 65, 13 × 17 से, तो इसका मोसो 13 हो गया, यानी 65m − 117 = 13, यानी 65m = 130, 117 में 13 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, तो 65 × 130 यानी m का मान हो जाएगा 2। 2×10^20 का लोसो क्या होगा? 2×10^20 का लोसो हो जाएगा 20 और मोसो हो जाएगा 2, यानी कट जाएगा 10/1, 10:1 हो जाएगा। sin 63/cos 27°, sin 63 का मतलब होता है cos 27 / cos 27 कट के हो जाएगा 1, उत्तर हो जाएगा 1। द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे? x² + 1/6x − 2, इसके शून्यक बताने हैं कि इसका शून्यक क्या होगा। साथियों इतना बराबर जीरो कर देते हैं, x² 2 × x × 1/12, 1/12 का स्क्वायर यहाँ जोड़ते हैं, 2 + 1/12 का स्क्वायर, ये हो गया x + 1/12 का होल स्क्वायर, 2 1/44 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 144, 288 + 1, x + 1/12 = √289/244 + − x = 1/12 − +−17/12, एलसीएम लेंगे 12 − 1 + −17 हो जाएगा, यानी −1 + 17/12 − 1 − 17/12, 17 में से 1 गया तो 16 हो जाएगा, 16/12 − 18/12, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, और ये 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 4/3 − −3/2, इसका 2 सोल्यूशन हुआ, 4/3 − −3/2। श्रेणी इतना का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद का मतलब होता है a + 29d, a है 10, 29 डी का मान 7 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा -3, 10 × 29 दिया 87, यानी -77 हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। टेन थीटा का मान 8/15 है, कोशेक थीटा का मान ज्ञात करना है, कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, 64 + 225 यानी √289, 17 हो जाएगा, 17 और लंब है 8, 17/8 उत्तर हो जाएगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? इसका सूत्र होता है n × n+1/2, तो 100 + 1 = 101 हो जाएगा, अब बटे 2, 2 से कट गया, 50 × 101 50 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है? कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin θ, 2 sin θ = 1 है तो साइन थीटा का मान निकल के आ जाएगा इसे 1/2। अब कोट 3 cot² θ + 3 यानी 3 कॉमन निकाल लें तो +1 हो गया, अब cot² θ + 1 होता है cosec² θ, अब कोसेक थीटा का मतलब हो गया 1/sin² θ, इसे उलट दीजिए यानी 1/2 का उल्टा हो जाएगा 4, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, आंसर हो जाएगा 12। असंभव घटना की प्रश्न 19 में है, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य का मतलब हो गया मूल ज्ञात करना, एक तरह से अगर इसको 0 मान लेते हैं तो अल्फा बीटा होता है -b + −√d/2a, बी के वैल्यू हो गया -√2, उसके पहले माइनस लगा देंगे प्लस माइनस डी बराबर होता है b² − 4ac/2a, ये हो गया √2 + √2² हो गया 2 − 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू होता है −12/2a का वैल्यू हो गया 1, √2 + −2 + 48 यानी हो गया 50/2, ये √2 हो गया +−5√2 हो गया / 2, जुट जाएगा तो जाएगा 6√2/2, और घट जाएगा तो हो जाएगा −4√2/2, कट के 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3√2 − 2√2, इसके 2 शून्यक होंगे, ये हो 3√2 और −2√2,
जो कि इनमें से कोई नहीं है। उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है? ये रूट तीन कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक प्रमेय संख्या हो जाएगा। सेक थीटा 13/12 है तो कोर थीटा का मान क्या होगा? कोर थीटा होता है आभार बटे लंब, और आभार इसका 12 दिया हुआ है। लंब निकालने के लिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में 44 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 12/5 इसका उत्तर हो जाएगा। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? 3-3 हो जाएगा 0, 4+8 12, और 12 का आधा हो जाएगा 6, यानी 0 6 हो जाएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स और वाई रैखिक संबंध के इतना के कितने अधिकतम हल संभव है? अनगिनत हल संभव होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल संभव हैं। समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 होगा? मान लेते हैं एनवा पद 88 होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। 88 बराबर ए इसका 1 है, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 87। 87 बराबर एन माइनस वन 3 से काटेंगे 29 दिया 87 हो जाएगा, यानी एन का मान 29 प्लस 1 30 हो गया, यानी 30वां पद इसका 88 होगा। 3-5 किस पाद में है? दोनों जब निगेटिव होता है तृतीय पाद में होता है। 2 cos² 60 degree, cos² 60 degree का मान 2 हो गया, cos 60 degree का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2×1/4 कट के 1/2 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा डी। इनमें किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और -10 होगा? तो शून्यकों का योगफल x²-3x हो जाएगा और -10 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? निगेटिव की कोई भी प्रायिकता मान जो है प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है साथियों 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इसका मोसो निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। धातु का एक घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, खींच करके 4 mm व्यास का तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या होगी? यानी घन का आयतन भुजा की होता है, और ये तार का आयतन तार बेलन के आकार का होता है, π r² h, यानी h निकालना है तो 1/π, व्यास 4 mm है तो त्रिज्या हो जाएगी 2 mm, तो 2/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4π, कट के हो जाएगा 25, 25/π सेंटीमीटर हो जाएगी। 1+10² θ बराबर होता है sec²θ। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के दिया हुआ 3:4 का अनुपात, तो परिमापों का अनुपात भी 3:4 होगा। -10, -6, -2, 34 में पदों की संख्या कितनी है? तो 34 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 34 बराबर -10 एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस हो गया, -6 में से घटाएंगे -10 तो -6+10 यानी 4, कॉमन डिफरेंस हो गया साथियों 4, इसको ध्यान लाएंगे तो 44 हो जाएगा, एन माइनस वन 4 से काटेंगे तो 11, एन का मान 11 1/12 हो जाएगा, एन का मान 12 हो गया। बिंदु 6-5 का एक्स नियामक कितना है? एक्स नियामक यहाँ पर स्पष्ट 6 है, उत्तर ए हो जाएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? ये 2x² हो गया -5x-3, शून्यकों का योगफल α/β -b/a होता है, -5 ये का मान 2, यानी 5/2 हो गया। 1, 2, 3, 4 के एन किसके बराबर होता है? n×n+1/2 के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता, ये द्विघात बहुपद है, उत्तर डी हो गया। 3-4 इतना का बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक आंकड़े जो है 7 दो बार आया है, 3 बार आया है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा? 13+19/2 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32/2 यानी 16 हो जाएगा। 43 द्विघात बहुपद समीकरण इतना कि मूल बराबर है तो पी का मान क्या है? मूल बराबर का मतलब हो गया डी बराबर 0, b² -4ac बराबर 0,
पी का स्क्वायर माइनस फोर, यानी बराबर करेंगे तो फोर ए का मान एक, सी का मान हो गया चार, पी स्क्वायर बराबर हो गया 16, यानी पी बराबर प्लस माइनस चार हो जाएगा। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, इसका लोसो क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का लोसो ए गुने बी के बराबर हो जाएगा। बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 12 मीटर ऊंचे खंभे को जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो नियन कोण क्या होगा? लंब बटे आधार 12/4√3, 4 × 3 = 12, ये कट गया √3, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। √3 टेन 60 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। एबीसी एक समकोण त्रिभुज, इसमें कौन सी 90 डिग्री का है? तो कोस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कोश 90 डिग्री, और कोश 90 डिग्री का मान 0 होता है। बिंदु 2-3 और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी हो जाएगा 2 − 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 × 3 चला गया 0, इसका रूट ओवर करेंगे 16 का मूल होता है 4, यानी इसका बीच की दूरी हो जाएगा 4। एक बेलन और शंकु के आधार के त्रिज्या तीन पर 4 है। बेलन का आयतन होता है π r1² h1, शंकु का आयतन होता है 1/3 π r2² h2, π कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चल जाएगा। रेडियस का अनुपात 3:4 है, तो 3 × 9 और 4² हो जाएगा 16, h1 है 2/3, 2/3 हो गया, 3 × 9 हो गया, ये 8 हो गया, 3 × 9 9/8, 9:8 है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। इतना का माध्य 6 × x का मान ज्ञात करना है, तो 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 12 × 7 = 17, 29 + x 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 30 − 29, यानी 1। ऊंचाई h है, तो उसका नाम आपका आयतन हो जाएगा LBH। 10 = 10 डिग्री, 10 = 15, 10 = 75, 10 = 80 डिग्री, 10 × 10 = 80 बराबर होता है 1, 10 × 15 = 75 बराबर होता है 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण ये होगा, 3x² है, यहाँ √x लिए नहीं होगा, ये बटे में है इसलिए नहीं होगा, उत्तर आपका सी हो जाएगा। बेलन और शंकु के आधार समान है, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात 3:1 हो जाएगा। साथियों ये कट जाएगा, ये पूरी चीज कट गया, 3 चला गया ऊपर, 3/1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। एक्सिस पर बिंदु जो कि इतना और ये है समान दूरी पर है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है, तो एक्स अक्ष का बिंदु मान लिया कि x, 0 है, हाँ वो ये बिंदु P है, ये A है, A −1, 0 है, B 5, 0 है, तो PA बराबर हो जाएगा PB, यानी x माइनस प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 है, 0 है। तो साथियों हाँ ये x² + 1 हो गया, यानी x + 1 बराबर लिख सकते हैं ये −x + 5, यानी 2x बराबर हो जाएगा 4, यानी कट के 2 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 2, 2 0, यानी 2 0 होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ −1, 0 ये है और ये 5, 0 है, समान दूरी पर कोई बिंदु x क्या होगा, तो ये एक बिंदु ये है, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है, तो दोनों के जोड़ का आधा करेंगे, 5 में से 4, 4 का आधा होता है 2, 2 हो गया इसका। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 है, इसकी ऊंचाई क्या हो गई? √3/2 गुने भुजा होता है, भुजा 12 है, तो 6√3 हो जाएगा। समीकरण इतना कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो जाएगा। 3/6 का मतलब होता है 1/2, −1/2 ये भी हो गया, C=C1/C2 का मतलब हो गया 5/k, यानी के बराबर नहीं है 10 के, उत्तर हो जाएगा 1 के बराबर नहीं। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है, ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, साइन 60 का मान होता है √3/2, 100/कर्ण, यानी √3 × ?200, यानी ?200/√3, उत्तर हो जाएगा सी। त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? एक वृत्त की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त है,
फिर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी ये निकालना है। तो ये 30 डिग्री हो गया और ये कौन 60 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात नहीं, ये ज्ञात करना है। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए ये अगर आ जाइए तो ये लंब और ये आधार है, तो 10 30 डिग्री लंब हो गया 3, ये प्रश्नवाचक चिन्ह 1/√3 बराबर हो गया 3/?, यानी क्वेश्चन मार्क पर हो गया 3√3, यानी उत्तर हो जाएगा सी। बामन तासों की गड्डी की अच्छी तरह फिट करके उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो काला रंग जो होता है वो 26 होता है और उसमें बादशाह जो होता है एक होता है। तो कहता है कि काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2/52 हो गया, 2 को हो गया ऐसा, ये कट गया 26, यानी 1/26 हो जाएगा। इस तरह से आप अभी प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल को देखते रहें और क्लास 10 में बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है आगामी 17 फरवरी से, उस परीक्षा की तैयारी आप बेहतर तरीके से करते रहें और नित्य दिन मैथ और साइंस के सॉल्यूशन सीखेंगे। कल आपको आज के चैनल में डाला गया था साइंस के क्वेश्चन, कल फिर मैथ के डाले जाएंगे, अल्टरनेटिव मैथ और साइंस के क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।